हुई ठगी की कैमरे के साथ आरोपी गिरफ्तार। आरोपी युवक और युवती से पुलिस से चार कैमरे किए बरामद। मुंगेली में अतिरिक्त जिला कलेक्टर लिंक कोर्ट का शुभारंभ। क्षेत्रीय विधायक टोकन साहू ने किया लिंक कोर्ट का शुभारंभ। और मुर्गिया में क्षेत्र की समस्याओं को लेकर गुरबाना समाज की ओर से आंदोलन और सभा का आयोजन। जिलाध्यक्ष ने लगाए बीजेपी विधायक पर गंभीर आरोप। नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्ट इंडिया 24। आपके साथ मैं हूँ राशि। आइए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। बिलासपुर में पुलिस ने ठगी के कैमरे के साथ आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक युवक और युवती शामिल है। आपको बता दें कि 22 सितंबर को शहर के अलग अलग इलाकों से 5 कैमरे ठगी करने वाले पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस ने महज 2 हफ्तों में ही मामला सुलझा लिया। बिलासपुर के कुछ लोगों ने अपने कैमरे को किराए में देने की बात ओएलएक्स पर डाली थी, जिसे देखकर रायपुर निवासी सादाब अली और उनकी मुंह बोली बहन पूजा साहू ने प्लान बनाकर बिलासपुर के युवकों से उनके कैमरे ठग लिए। दिलचस्प बात यह है कि सभी से एक ही दिन कैमरों की ठगी की गई। दोनों ने मिलकर अपना जाली परिचय पत्र बनाया और कैमरे किराए में लेने की बात कही और वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 4 कैमरे भी बरामद किए। उनको समझ में आया कि हमारे कैमरे निश्चित रूप से गलत जगह गलत लोगों के पल्ले में पड़ गए, तो उन्होंने इस बात की शिकायत करना चालू की, जिसकी सूचना हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को मिली और मैडम अर्चना झा को, जिन्होंने हम लोगों को आदेशित किया। हमारी क्राइम ब्रांच की टीम ने मेहनत करते हुए इस गैंग का पता किया। पता करने पर उन्होंने, चूँकि जो अपना परिचय दिया था वो समीर अग्रवाल और ऋचा अग्रवाल के नाम से उन्होंने अपनी आईडी दी थी, जो कि फेक आईडी थी, उसके बावजूद भी हमारी टीम ने मेहनत करते हुए रायपुर तक पुरानी बस्ती जहाँ हमें पता चला कि कुछ लोग कैमरे का व्यापार कर रहे हैं और कैमरे सस्ते में बेच रहे हैं, उन पे निगाह डालनी चाहूँगी। तो अचानक उन्हें पुरानी बस्ती में सबाब खान और उसकी एक साथी पूजा साहू, जो कि उसकी कथित बहन है, मोली बहन, इन दोनों के पास से उनके बारे में पता चला, जिनको घेराबंदी करके हम लोगों ने उन्हें पकड़ा है और उनसे 4 कैमरे लगभग 2 लाख कीमत के हमने उनसे बरामद किए हैं। बरामद करने में सफलता मिली है, जो कि क्रमशः जिनके बारे में कोतवाली सिविल लाइन तथा सरकंडा में अपराध कायम है, जिनमें जो उन्हें दिए जा रहे हैं कैमरे तथा अभियुक्तों को, जहां पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और उन्हें न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। मुंगेली जिले के लोरमी में अतिरिक्त जिला कलेक्टर लिंक कोर्ट का शुभारंभ किया गया। लिंक कोर्ट का शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक टोकन साहू ने किया। आपको बता दें कि अटल विकास यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का आगमन लोरमी नगर में हुआ था, जहां उन्होंने लोरमी विधानसभा को 300 करोड़ रुपए की बड़ी सौगात विकास कार्यों के लिए दी थी। साथ ही उनके द्वारा लोरमी में लिंक कोर्ट खोलने की घोषणा भी की गई थी, जिसका शुभारंभ अब विधायक अभिनंदन करें माननीय पीयूष गोयल जी का। कोरिया जिले के संसदीय आदर्श ग्राम क्षेत्र गढ़गवा में गोडबाना समाज के द्वारा क्षेत्र की समस्याओं में रोष व्याप्त करते हुए एक जन आंदोलन और आम सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर समाज के तत्वाधान के तहत पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष ने वर्तमान विधायक पर आरोप लगाया और कहा कि इस क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में काफी ज्यादा समस्याएं हैं, किंतु विधायक के द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। पिछले 6 माह से बिजली ट्रांसफार्मर खराब है, जिसकी वजह से ग्राम अंधकार में है, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं की जाती। आज आपके गोडबाना पार्टी के द्वारा यहाँ पे आम सभा और रैली का आयोजन किया गया, तो इसका मेन मुद्दा क्या है? देखिए, आज गोडबाना गणतंत्र पार्टी के द्वारा यहाँ पर जनपद मैदान में आम सभा और रैली का आयोजन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य जो खड़गवा क्षेत्र में जो व्याप्त असुविधाएं हैं, जो यहाँ की जो ग्रामीण जनों को जो असुविधा है, उसके खिलाफ हम लोगों ने यह धरना प्रदर्शन और आंदोलन का काम आयोजन यहाँ पर किया है। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर जो वर्तमान विधायक हैं, उनके क्षेत्र में ही कई ऐसे जो गांव हैं जो आज भी 6-6 महीने से जहाँ पर ट्रांसफार्मर खराब है और वहाँ पर बिजली की सुविधा नहीं है, 6 महीने से लोग अंधकार में रहने को मजबूर है। वहीं आज जो वन अधिकार पत्रक की बात कर रहे हैं, हम वन अधिकार पत्रक का जो अधिकार है, गोडबाना गणतंत्र पार्टी ने दिल्ली में जाकर और एक बहुत बड़ा आंदोलन कर पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे देश में इस वन अधिकार अधिनियम को पारित करवाया था, लेकिन आज यहाँ की जो क्षेत्र की जनता है वो अपने वन अधिकार पत्रक के लिए दर दर भटक रही है। आज यहाँ के जो सचिव हैं वो लापरवाही के चलते उनके शासन की जो महत्वपूर्ण योजना है, जो पट्टे की बात है, वो उनको नहीं मिल पा रहा है। इन सब मुद्दों को लेकर यहाँ पर हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है।
कोरिया जिले में लगातार युवतियों को उनके फोन से फोटो छुड़ाकर उन्हें अश्लील बनाकर युवतियों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। जिले के पोंडी थाना क्षेत्र के अंतर्गत लगातार 3 ऐसे मामले आ चुके हैं जिसमें फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए युवतियों की तस्वीरों को चुराकर उन्हें अश्लील फोटो में एडिटिंग के जरिए बना दिया जाता है और फिर युवतियों को ब्लैकमेल किया जाता है। संबंध में पुलिस ने शिकायत दर्ज कराई है जिसके बाद पुलिस ने जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है। क्या हुआ है आपके साथ, क्या घटना है, क्यों आप यहाँ पे आई हुई हैं, परेशान हैं? वो एफबी पे नहीं पता किसका किसका मैसेज आता, मैं रिप्लाई नहीं करती थी और वो लड़की जो भी है वो मेरा फोटो पूरा एडिट करके उसका खराब फोटो करके मेरे पे सेंड की थी और बोल रही थी कि गूगल पे सर्च कर दूंगी ऐसा वैसा करके। ये सब कब से चल रहा है? मैं कल ही शायद आया तो मैं आज देखी तो फिर मैं वो थाना। इसके बारे में किसको किसको जानकारी है, आपने अपने परिजनों को इसके बारे में जानकारी दी? अपने घर वाले किसी को नहीं बोली। अच्छा, आपको किसी के ऊपर संदेह है? नहीं। आज जो है गड्ढा दफाई की शीला बरगाह द्वारा एक आवेदन दिया गया है कि उसको फेसबुक आईडी के द्वारा जो है उसकी फ़ोटो को अश्लील बनाकर जो है प्रेषित कर भेजता है, जिसके संबंध में हम जो है शिकायत को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के यहाँ भेजकर उसका जो भेज रहा है मेरा चित्र उसके संबंध में जानकारी निकालने हैं तो वहाँ से आएंगे कागजात, इसके बाद जो है इसकी कार्रवाई करेंगे। इस संबंध में थाने में और भी एक दो रिपोर्ट आ चुकी हैं, उसमें अब तक क्या क्या कार्रवाई हुई? उसमें पुलिस अधीक्षक महोदय को कागजात भेज दिया गया है, वहाँ से जैसे आ जाएगी कार्रवाई। कवर्धा वासियों को नई रेल लाइन की सौगात मिली है। रेल मंत्री पीयूष गोयल और मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कटघोरा डोंगरगढ़ रेल लाइन का कवर्धा में शिलान्यास किया। 6,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली रेल लाइन का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस रेल लाइन की लंबाई 294 किलोमीटर है। गोयल ने कहा कि रेल लाइन से क्षेत्रवासियों को काफी ज्यादा लाभ मिलेगा। इसके साथ ही गोयल ने सीएम डॉक्टर रमन सिंह की काफी ज्यादा तारीफ। कवर्धा से 115 किलोमीटर दूर तक कोई रेलवे स्टेशन नहीं है और कई कवर्धा के हमारे भाइयों बहनों ने तो रेलवे देखी नहीं है पूरी जिंदगी में, तो मैं आश्चर्यचकित हूं। और मैंने शायद ही कोई आज तक इलाका ऐसा देखा होगा जिसको 107 वर्ष तक वंचित रखा गया इतनी सामान्य सुविधा से, रेल लाइन से। और मुझे लगता है मेरे मंत्री बनने के कुछ ही दिन बाद से ये सिलसिला शुरू हुआ कि कैसे आपके इलाके को ये सुविधा पहुंचे। और मुझे आज बहुत आनंद होता है इस बात से कि जो जन्मभूमि है हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी की, जिस भूमि ने छत्तीसगढ़ को, भारत को, इस देश को एक इतना बढ़िया नेता दिया, एक इतना बढ़िया जनप्रतिनिधि दिया, इतना बढ़िया संवेदना रखने वाला समाज सेवक किया, उनकी जन्मस्थली पे आज ये कार्यक्रम होने जा रहा है। मैं समझता हूँ उनका जन्मदिन तो वैसे कुछ दिन बाद है, लेकिन रमन सिंह जी बड़े उत्साह में रहते हैं, बड़ी जल्दबाजी में रहते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे जन्मदिन का भेंट कवर्धा के लोगों को आज ही दे दी जाए। ऊपर कर ले थोड़ा। एक नए इतिहास रेलवे छत्तीसगढ़ निर्माण चावल का पीडीएस शुरू हमने किया था, उतने ही बड़ा एक गेम चेंजर इस पूरे इलाके को विकास में बदलने वाला,
भी बड़ी बुरी लग रही है। मैं सरंगढ़ के बहुचर्चित तालाब खांडाबाद में जख्मी हालत में 40 किलो से ऊपर का कछुआ मिला। ऐसा माना जा रहा है कि कुछ मछुआरे कछुए का शिकार करने आए थे और बड़ा होने के कारण कछुए को ले जा नहीं पाए। फिलहाल कछुए को पशु चिकित्सालय में ले जाया गया है। खरसिया विधानसभा में पूर्व कलेक्टर और बीजेपी नेता ओम प्रकाश चौधरी पहुंचे और ओपी चौधरी को सुनने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा, जहां उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि कलेक्टर के पद पर रहते हुए मैं आसानी से अपनी जिंदगी गुजार सकता था, लेकिन माटी के कर्ज ने मुझे नौकरी छोड़ जनता की सेवा के लिए प्रेरित किया। दरअसल ओपी कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने आए थे, जहां उन्होंने कहा कि जनता के लिए मूलभूत सुविधाएं बढ़ाने का कार्य किया जाएगा। कार्यक्रम में खरसिया विधानसभा के हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए। कई गांवों में राशन दुकान के संचालक समूह मन कर रहे थे, वो समूह महिला मन के, दीदी मन के कि भैया मन के। विकास के लिए आप क्या चाहते हैं? निश्चित रूप से मैं यही बोलना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी अटल दृष्टि पत्र तैयार की है, 25 वर्ष जो छत्तीसगढ़ के पूरे होंगे उसके लिए, और इसमें सभी क्षेत्रों पर विशेष रूप से ध्यान दिया है। बट मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि आने वाली पीढ़ी को कैसे एक बेहतर जिंदगी दी जाए, वह मूलभूत और महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि हमारे पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में भी देखें तो 65% आबादी 35 वर्ष से कम आयु वर्ग के लोगों की है। ऐसी स्थिति में आने वाली पीढ़ी को अगर हम एक रचनात्मक और सकारात्मक दिशा दे पाते हैं तो एक बड़ी उपलब्धि होगी। इसी परिप्रेक्ष्य में बेहतर हायर एजुकेशन के लिए, स्किल एजुकेशन के लिए, बेहतर टेक्निकल एजुकेशन के लिए, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को आगे ले जाने के लिए, एग्री सेक्टर को आगे ले जाने के लिए एक यूथ बेस्ड जो प्लान है उसको छत्तीसगढ़ सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखकर काम करना चाहिए। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ सरकार डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार अंत्योदय को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है, जो कि समाज के आखिरी वर्ग पर जो खड़ा व्यक्ति है उसको ऊपर कैसे लाया जाए। रायगढ़ में लगातार NTPC लारा विस्थापितों का आंदोलन लगातार 200 दिनों से जारी है। आंदोलन कर रहे विस्थापितों की मांग है कि NTPC में स्थायी नौकरी प्रदान की जाए और पुनर्वास लाभ के अंतर्गत बोनस और तेंदुपत्ता भूमिहीन जैसे मामलों का निराकरण किया जाए। विस्थापित किसानों को जेल में डालने के बाद महिलाएं अब मोर्चा संभाल रही हैं। आसपास के किसान और स्थानीय नागरिक प्रभावितों के द्वारा आज 200 दिन से भी पार हो जाने के बाद भी प्रभावितों को कोई राहत की खबर सुनने को नहीं मिली है। अब सवाल यहां ये उठता है कि आखिर कब विस्थापितों की मांग पूरी की जाएगी। आचार संहिता लगते ही यातायात पुलिस की कार्रवाई शुरू हो गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तिथि की घोषणा करते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और रायपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अमरेश मिश्रा के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात अभिषेक वर्मा के मार्गदर्शन में यातायात पुलिस ने आचार संहिता लगते ही अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। रोजाना चलने वाली इस कार्रवाई में ब्लैक फिल्म लगे वाहनों, पदनाम लिखे वाहनों पर विशेष अभियान चलाया गया और वाहन चालकों पर कार्रवाई की जा रही है। अंबिकापुर विकास खंड अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत घनघरी में डैम की मांग पूरी नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने कलेक्टर का घेराव करते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान भाजपा किसान मोर्चा के नेता भारत सिंह सिसोदिया सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। संत रामपाल महाराज के शिष्य समाज सुधार का काम कर रहे हैं। इसी क्रम में बालोद जिले के गुरूर में देखने को मिला, जहां संत के शिष्य समाज में व्याप्त बुराई के खिलाफ प्रचार प्रसार करते हुए प्रोजेक्टर के माध्यम से संत रामपाल का दिव्य अलौकिक अनोखे के ज्ञान को जनमानस के बीच देखा, जिसे देखकर चंद लोगों ने नशा पान जैसे विकारों को छोड़ने का संकल्प लिया। इस तरह का कार्य समाज में परिवर्तन ला सकता है, ऐसा उन शिष्यों का मानना है और सही भी है, क्योंकि दहेज जैसी
सामाजिक विकार आज समाज में फैला हुआ है, जिस पर जगत गुरु संत रामपाल महाराज ने व्याख्यान दिया है और वो दिल को छू लेने वाला था। वॉकिंग में इस तरह के धर्म के नाम पर पाखंडवाद जो चल रहा है उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई है और हमारे सभी शास्त्रविद जो वर्णित हैं उस साधना विधि में भक्ति करने का सरल और मर्यादा पूर्ण जीवन की प्रेरणा दे रहा है। ये पुनीत कार्य कोई दिव्य पुरुष ही कर सकता है। दुर्गा रूपी ब्रह्म ये इनका पिता है। दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं और रत्नकर्मा सबको विष्णु तत्व शिव जी है ये व्यास को दिखाते हैं। फिर श्रीमद भगवत गीता में आपको दिखाएंगे ब्रह्मा विष्णु महेश की से ये पुत्रों अभी कहा कह रहा अपने दोनों पुत्र ब्रह्मा और विष्णु को ये पुत्रों आपने तब एक बच्चों जैसे उन्हें चल के थे चौथी तीसरी कक्षा के बाद डरते हैं अध्यापक पूछता है क्यों डर रहे थे बच्चों वो कहता कि कोई उनकी भविष्यवाणियों पर शक तक नहीं कर सकता वैज्ञानिक भी उनकी भविष्य। बालोद जिले की ग्राम पंचायत सांगली जनपद पंचायत गुरूर में दो दिवसीय राम सत्ता का आयोजन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ लोक परंपरा लोक धरोहर और लोक विधा में से एक राम सत्ता का आयोजन होता है जिसमें भगवान राम के चरित्र को गीत संगीत कहानी और अभिनय के द्वारा दिखाया जाता है। जहां राम की चर्चा होती है लोक भक्ति में होकर राम की जीवन गाथा को गीत संगीत के माध्यम से कहानी के रूप में दर्शाते हैं। वैसे भगवान राम का छत्तीसगढ़ को मामा का घर माना जाता है और 12 महीना राम सप्ताह की जो टीम होती है वो किसी मांगलिक आयोजन में अपनी प्रस्तुति देते हैं वो अद्वितीय है जिससे राम सप्ताह के माध्यम से आसानी से सुना समझा जा सकता है। प्रेरक प्रस्तुति देते हैं अनुकरणी इसको लोग समझें जैसे आज दिखा रहे थे सबरी माता का कि सबरी माता और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बीच कोई दूरी नहीं थी। माँ बेटा का सा प्यार उससे बढ़कर ये दिखाए और भाई भाई में दुश्मनी का क्या परिणाम होता है वो बाली और सुग्रीव का प्रसंग भी दिखा रहे हैं। इससे सबको प्रेरणा लेनी चाहिए सीख लेनी चाहिए। हम सबके लिए सीख से भरा हुआ ये सब प्रसंगों को दिखाते हैं। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और अपडेट्स के लिए बने रहिए फास्ट इंडिया 24 के साथ।